अच्छा भाई चैप्टर मेरे बच्चे एनिमेलिया है और एनिमेलिया का जो पोर्शन हमने स्टार्ट कर दिया बेटा वो है वर्टीब्रेट। अब वर्टीब्रेट में सबसे पहला मेरे बच्चे जो ग्रुप हमने स्टडी करना है वो है पाइसिस। अब पाइसिस के अंदर सारे के सारे फिशेज आती हैं और फिशेज की हमने तीन क्लासेस को इन डिटेल में स्टडी करना है। एक नाम है साइक्लोस्ट्रोमेटा, एक नाम है कोंड्रोइक्थीस और एक नाम है ऑस्ट्रोइक्थीस। मतलब कि तीन हमारे पास क्लासेस हैं, साइक्लोस्ट्रोमेटा, कोंड्रोइक्थीस और मेरे बच्चे एक का नाम क्या ऑस्ट्रोइक्थीस है। अब साइक्लोस्ट्रोमेटा की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके अंदर जितनी भी मछलियां आती हैं वो प्रिमिटिव फिशेज हैं। जो प्रिमिटिव फिशेज है उसका जो ग्रुप है वो साइक्लोस्ट्रोमेटा है। इसके अंदर जितनी भी मछलियां आती है वो जालस फिशेज होती हैं, उनका जबड़ा नहीं होता है, मैगजीला नहीं होता है, मैंडिबल नहीं होता है, जिसका जबड़ा नहीं है वो सारी मछली किस कैटेगरी में आती है बेटा साइक्लोस्ट्रोमेटा के अंदर। अब साइक्लोस्ट्रोमेटा में जितनी भी मछली है उनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनकी जो बॉडी वो लॉन्ग होती है, ईल की तरह ईल लाइक होती है और लॉन्ग होती है, स्केल्स एब्सेंट होता, कोई स्केल नहीं होता, पूरी की पूरी जो बॉडी होती है वो तिल्क नहीं होती है, मतलब कि लचकीलापन होता, स्लाइमी होती है और मेरे चाहिए स्केल नहीं होता, कोई भी अपेंडिजेस पेयर्ड फॉर्म में नहीं होता। जैसे ये देखिए आपको फिन्स नजर आ रहा है, ये एक ही है पूरी बॉडी के ऊपर, कोई भी पेयर्ड फॉर्म में अपेंडिजेस नहीं होता, कार्टिलेजेनियस स्केलेटन होता है। इसका जो वेंट्रल सेक्टोरियल माउथ होता है ये आगे की तरफ, ये देखिए नीचे की तरफ जरा माउथ है और सेक्टोरियल टिप के ऊपर मौजूद होता है। और इसका जो हर्ट होता है उसका एक चैम्बर वन यूरिकल होता है और 6 से 14 मेरे बच्चे इसके पास पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर है तो मगर उसके अंदर स्टमक नहीं होता, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर स्टमक लैक होता है, स्टमक मौजूद नहीं होता। सेक्सेस इसके सेपरेटेड हैं, जो सेक्सेस के वो सेपरेटेड हैं, जैसे मिसाल के तौर पर लैम्प्रेस। और एक ऐसी मछली है इस ग्रुप के अंदर जिसमें मेल करेक्टर भी है और फीमेल भी, मतलब वो मेल जेंडर क्लास से भी है और फीमेल जेंडर क्लास दोनों एक ही मछली के अंदर पाए जाते हैं, मतलब अंडे भी दे दिए तो स्पर्म भी प्रोड्यूस कर दिए। उनका बड़ा नाम है हैगफिश। मतलब कि सेक्सेस सेपरेट किसमें है, लैम्प्रेस मछली के अंदर और हैगफिश मेरे बच्चे हर्माफ्रोडाइट होती है। इस मछली की सबसे बड़ी पहचान मैंने यही बताई कि बॉडी लॉन्ग होती है, स्केल्स एब्सेंट होते हैं, नो पेयर अपेंडिजेस है, कार्टिलेजिनियस स्केल्टन होता है, वेंट्रल सेक्टोरियल माउथ होता है, हर्ट विद वन यूरिकल है, 6 से लेकर 14 तक इसके पास गिल्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा इसके पास स्टमक नहीं है, सेक्सेस इसके सेपरेट है लैम्प्रेस के अंदर और मेरे बच्चे हैफिश के होती है हर्माफ्रोडाइट है। फर्टिलाइजेशन मेरे बच्चे इसके पास एक्सटर्नल है, हर एक फिशेज के अंदर एक्सटर्नल होती है और लॉन्ग लार्वल पीरियड होता है। और इसमें अगर देखा जाए लॉन्ग लार्वल पीरियड जिसमें नजर आता है वो लैम्प्रेस है और मेरे बच्चे मछलियाँ जो से वो दो ही हैं इस कैटेगरी के अंदर जो सबसे देखी जाती हैं, एक का नाम लैम्प्रेस है और एक का नाम क्या बेटा हैगफिश है। अब आ जाते हैं मेरे बच्चे अगला ग्रुप के पास जिसका नाम है कोंड्रोइक्थीस। अब कोंड्रोइक्थीस ये एक ग्रुप है, इसमें सारे के सारी वो मछलियां जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखते हैं तो ये एक मछली मैंने बना दी शार्क, शार्क जो है वो कोंड्रोइक्थीस है क्योंकि इसका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना था। कार्टिलेज मतलब कुड़कुड़ी हड्डी, जो आपकी नाक की हड्डी है, जो आपके कान की हड्डी है, कार्टिलेज मौजूद होते हैं। इस तरह की कुड़कुड़ी जो हड्डी होती है वो कार्टिलेज होती है और कार्टिलेज जिसको मेरे बच्चे अंदर मौजूद है जिस फिशेस के अंदर वो सारे के सारे इस ग्रुप के अंदर जिसका नाम है कोंड्रोइक्थीस है। इसकी पहचान क्या है, बॉडी फ्यूसी फॉर्म है, आगे से ब्रीक होती है पीछे से भी ब्रीक होती है तो फ्यूसी फॉर्म बॉडी है। माउथ इसका वेंट्रल होता है, नीचे की तरफ होता है। ऑल्फैक्टरी सैक्स नॉट कनेक्टेड टू द माउथ कैविटी, इसका जो ऑल्फैक्टरी सैक्स होता है जिससे स्मेल वगैरह करता है वो माउथ कैविटी से जुड़ा नहीं होता। इसके पास जो स्केल्स हैं वो प्लेकोइड स्केल्स हैं, स्केल्स कौन से प्लेकोइड स्केल्स हैं। और इसके पास एंडोस्केल्टन कार्टिलेज जो कि मौजूद होता है, एंडोस्केल्टन जो किससे बना हुआ बेटा कार्टिलेज के बना हुआ, स्टमक है मगर उसकी शेप जे शेप होती है और सर्कुलेटरी सिस्टम हैज मैनी पेयर्स ऑफ अरोटिक आर्चीज होती है, जो अरोटा है उससे काफ़ी ज़्यादा आर्चीज निकलती हैं जो कि इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की सबसे बड़ी पहचान है। गिल्स की तादाद 5 से लेकर 7 है। स्विम ब्लैडर एक ऐसा आला होता है जो स्विमिंग के में मदद देता है, जो कि इसको फ्लोट ऊपर उड़ने ऊपर पानी में जाने और नीचे जाने के लिए मदद देता है, मगर इसके पास स्विम ब्लैडर नहीं होता। अगली मछलियों में अगले ग्रुप के अंदर नजर आएगा मगर इसके पास स्विम ब्लैडर एब्सेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है ये, स्विम ब्लैडर एब्सेंट होता है कार्टिले फिशेस के अंदर। और इसके सेक्सेस जो से बेटा वो सेपरेट हैं, मतलब मेल सेपरेट है और फीमेल बेटा क्या होती है सेपरेट होती है। अब मेरे बच्चे देखा जाए ये इन में से कुछ ऐसी मछलियाँ जो ओवीपेरस जो अंडे देती हैं और कुछ ऐसे में जो वीवीपेरस जो बच्चे भी देती हैं, मतलब इस ग्रुप के अंदर दो तरह के आपको फिश नजर आते हैं, अंडे देने वाली हैं भी तो बच्चे देने वाली हैं, दोनों इस कैटेगरी में आपको नजर आती है। एग्जाम्पल हमारे पास शार्क है और रेज है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू, शार्क बहुत लार्जेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट है, 30 से लेकर 50 फीट इसका साइज होता है।
शार्क का लीवर का जो ऑयल है यूज़ किया जाता है विटामिन ए और डी के लिए। शार्क की जो स्किन है लेदर के तौर पे इस्तेमाल होती है मेकिंग आर्टिकल करने के लिए, मतलब कि लेदर के तौर पे इसकी स्किन इस्तेमाल होती है। स्केट और जो रेज है, ये स्केट है और ये रेज है। ये जो स्केट है ना, ये बड़ी वाली, ये देख सकते हैं, ये बड़ी, ये बॉटम ड्विलिंग होती है, ये ज़मीन, ये जो समुंदर या आपको दरिया के अंदर नज़र आती है, ये नीचे ऐसे चिपक के मूव करती है, ये बॉटम ड्विलिंग वाली है। और इसी तरह इसका जो एंटीरियर पेयर्स ऑफ फिन्स है, ये जो इसका फिन्स आपको नज़र आ रहा है, ये इनलार्ज होता है और ये यूज़ करती है वो स्विमिंग और विंग्स के तौर पे इस्तेमाल करती है और स्विमिंग में ये यूज़ करती है। ये है रेस। इसकी ये टेल काफ़ी लंबी है, तो टेल जो है इसकी लॉन्ग विप लाइक होती है और ये शार्प स्पाइंस रखती हैं। स्पाइंस होते हैं शार्प स्पाइंस, जो कि ये रेस की पहचान है। ये जो रेस है ना, रेस इसके बाद डोर्सल मसल्स होते हैं जो ऐसे मॉडिफाई हैं कि पावरफुल इलेक्ट्रिक पावर डिस्चार्ज करते हैं, मतलब इन्हें पकड़न के नाल करंट भी पै जाता वे, मतलब ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं। इसको टच करने से इंसान को करंट महसूस होता है। ये जो इलेक्ट्रिक पावर है वो कहाँ से जनरेट होती है, वो इसके पास सर्टन डोर्सल मसल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने में इसको मदद देते हैं। इसी तरह जो अगली मछली का ग्रुप आता है बड़ा, उसका नाम है ऑस्ट्रिक्थीस। अब जो ऑस्ट्रिच थीज है, इसकी पहचान ये है कि बोनी फिश, जितने भी बोनी फिशेज हैं जो कि बॉन्ड से बनती हैं, ऑस्ट्रिच थीज में आती हैं। इसकी क्राइटेरिया ये है कि बोनी स्केल्टन होते हैं, नोटोकोड जो कि रीढ़ की हड्डी की तरह होता है, लंबा से रोड की तरह, ये इसके अंदर परसिस्ट होते हैं, मौजूद होते हैं, और इसके पास एम्बेडेड होते हैं डर्मल स्केल्स। इसके पास डर्मल स्केल्स हैं, जैसे इसके पास स्केल कौन से थे, प्लेकोइड थे। इसके पास स्केल प्लेकोइड नहीं, गैनोइड है, साइक्लोइड है, स्टीनोइड है, CTENOID, स्टीनोइड है, साइक्लोइड है, गैनोइड है। इसके बाद प्लेकोइड स्केल क्या होते हैं, बड़ा एब्सेंट होते हैं। प्लेकोइड स्केल्स की पहचान ये कार्टिलेज फिशेज के हैं, ये बोनी फिशेज के नहीं है। बोनी फिशेज के कौन से स्केल हैं, गैनोइड, साइक्लोइड और स्टीनोइड है। माउथ इसका टर्मिनल के ऊपर, ये देख सकते हैं, नुकर के ऊपर मौजूद है, किनारे में मौजूद है, टर्मिनल पर होता है। जा आइदर विद और विदाउट टीथ होते हैं, इसके पास टीथ होते भी है और नहीं भी हो सकते। स्विम ब्लैडर इसके पास मौजूद है, ये याद रखना, स्विम ब्लैडर इसके पास एब्सेंट था जो कि कार्टिले फिशेज हैं, इसके पास स्विम ब्लैडर बड़ा प्रेजेंट होता है। स्विम ब्लैडर प्रेजेंट जो कि स्विमिंग में मेरे बच्चे मदद देता है, ऊपर आने में, फ्लोट करने में और सिंक करने में, नीचे जाने में मदद देता है। इसका जो दिल है, टू चैम्बर हर्ट होता है, जिसमें एक एट्रियम है और एक क्या आता है बेटा, वेंट्रिकल आता है। अब मेरे बच्चे देखा जाए, इसके पास ब्रेन प्रेजेंट होता है और 10 क्रेनियल नर्व्स हैं, मतलब 10 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ब्रेन इसके पास मौजूद है। सेक्सेस इसके सेपरेट हैं, मतलब कि इसके पास जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं, गुनेड्स पेयर फॉर्म में होते हैं, और बड़ा इसके पास फर्टिलाइजेशन जोन से होती है वो हमेशा एक्सटर्नल होती है। और एग्जाम्पल लेबियो रोहिटा, इसको कौन नहीं जानता, जो रोहू की मछली है जो घर में आप पकाते हैं, खाते हैं, लेबियो रोहिटा वो मेरे चाहिए एग्जाम्पल है किसकी बेटा, ऑस्ट्रिच थी, इसकी जो बोनी फिशेज हैं। तो मेरे बच्चे ये पहला ग्रुप था जो कि बेटा आपने एनिमेलिया चैप्टर, जो कि 10वां चैप्टर है, उसका मेरे बच्चे पढ़ा, जिसका नाम क्या है, फिशेस वाला। इसके बाद एम्फीबियंस आएगा, रेप्टाइल्स आएगा और बर्ड्स और मैमल्स, वर्टिब्रेट ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, ये मैं आपको बताता चलूँ कि इसके टॉपिक में से एक और भी टॉपिक है मॉडिफिकेशन, वो मैंने अगले लेक्चर में मेरे बच्चे अपलोड कर देना है कि मॉडिफिकेशन इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट। तो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में क्या क्या मॉडिफिकेशन है, ये अगले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।